देखिए आप सब तो जानते हैं कि जापाना खुद अब एक गरीब की जिंदगी जी रहे हैं और गरीबों के यहाँ दास दासियां नहीं होती, इसलिए आप सबको निकाला जा रहा है। अरे बिरबल, बिरबल ये हम क्या सुन रहे हैं? इनको क्यों निकाला जा रहा है? जापाना का हुक्म है रानी साहिबा। जापाना का कहना है कि उनके पास जो खजाना है वो रियासत का है और रियासत के खजाने से वो इन्हें तनख्वाह नहीं दे सकते। जाइए आप। ये बिरबल, इनका काम कौन करेगा? आप हाँ? रानी साहिबा, जो गरीब होते हैं वो खुद का काम खुद करते हैं और आप भी गरीब हैं तो काम तो आप ही को करना होगा। ओह, हम समझ गए बिरबल। हाँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, गरीब तो खुद का काम खुद ही करते हैं ना, तो उसमें क्या है, हम भी करेंगे। और कहाँ से शुरू करें? और इनको साफ कर ले पहले। हाँ, कर ले। ओह, थक गए हम। हाँ, बड़ा शौक था गरीबों की रानी बनने का, कमर ही टूट गई। इतना काम तक। वासु, भाई साहब क्या कर रहे? दिखाई नहीं देता इतनी सफाई की है। ओहो फूफी, सफाई तो दोबारा भी हो जाएगी ना, आप मेरे कपड़े भी धो दीजिएगा। और पहना हमारे भी। क्या? हम आपके कपड़े क्यों धोएंगे? आप धो लीजिए। बहना बहना, गरीब घर की औरतें घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और मर्द बाहर जाकर काम करते हैं, इसलिए हम दोनों काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, जाइए कपड़े दे दीजिए हमें, जाइए। ठीक है वो भी। जाइए। अरे लगी मुझे पूछो। क्या किया? इतने सारे कपड़े दिए? अरे हम गरीबों की रानी है या महल की धोबन? हाँ, कमर टूट गई, कितना दर्द हो रहा है, इतना सारा काम किया हमने पूरे दिन। हम गरीबों की रानी नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते हम गरीबों की रानी। ओ, गरीबों की रानी। चलिए जल्दी से सामान बांध लीजिए अपना। क्यों? क्योंकि हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों 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 क्या रानी साहिबा, ये रियासत का महल है, हमारा महल नहीं है ये। अरे हम तो गरीब लोग हैं, जाकर अपने झोपड़े में रहेंगे, हम कुछ काम करेंगे, आप झोपड़ा संभालना, कितना मजा आएगा। वाह, बहुत मजा आएगा जापाना, और हम सचमुच गरीबों की रानी बन जाएंगे। चलिए चलिए, कहाँ है हमारा झोपड़ा, कहाँ है दिखाइए। नहीं अभी है नहीं, होगा, कुछ पैसे वैसे कमाएंगे तभी तो हम खरीद पाएंगे अपना झोपड़ा। कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आप करेंगे, हम थोड़ा कमाएंगे, आप थोड़ा कमाएंगी। हम कैसे कमाएंगे जापाना? रानी साहिबा आप सब्जी बेचने का काम करना। हम सब्जियां बेचेंगे? वाह वाह, इतना मजा आ रहा है, हम तो सब्जी वाली बन गई। चल रानी साहिबा अब काम करो, गरीबों की रानी हो। ले लो ले लो, अरे कोई सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जी है भाई, ले लो। गाजर ले लो, पालक ले लो, अरे लाल लाल टमाटर ले लो। चल अपना टमाटर कहीं और जाके बेच, ये हमारा इलाका है, चल निकल यहाँ से। अरे तुम फिर से आ गई, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे जैसी सब्जी बेचने वाली एक गरीब औरत से बात कर रही हूँ। चल जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। हम यहीं पर अपनी सब्जियां बेचेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। नहीं जाएगी तू? तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारी सब्जियां गिराने की? हाँ सर भाई, क्या बड़बड़ा रही हैं आप? देखिए हम ना ये सब्जियां नहीं बेचेंगे। हाँ, हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं रानी साहिबा, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। आप सब्जियां नहीं बेचना चाहती तो आप किसी अमीर आदमी के घर पे झाड़ू पोछा कर लेना। देखिए जापाना, हमें ना ये गरीबों की रानी नहीं बनना है, हमें
हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने उस सब्जी वाली की बात सुन ली और जिद कर बैठे कि हम सारे गरीब बन जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए जापना, सब कुछ ना पहले जैसा कर दीजिए आप। रानी साहिबा, सब कुछ पहले जैसा कर तो दें, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? कि आप फिर कभी ऐसी जिद नहीं करेंगी। हमें माफ कर दीजिए जापना, हम फिर ऐसी जिद कभी नहीं करेंगे। आप ना वो दास दासियों को बुला लीजिए। रानी साहिबा, वो सब यही है, वो सब कभी कहीं गए नहीं। मतलब ये रानी साहिबा कि ये सब एक नाटक था जो बीरबल के साथ हमने रचा, ताकि आपके सर से ये गरीबों की रानी बनने का भूत उतर सके। रानी साहिबा, इस दुनिया में जो भी है सबकी एक वजह है, हर इंसान के अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने कर्म। अगर आप और जापना राजा और रानी है तो इसकी भी एक वजह है। कौन सी वजह बीरबल? रानी साहिबा, आप और जापना अपने कर्मों से लोगों की खुशहाली और तरक्की में मदद कर सकते हैं, गरीबों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। ये तो आपने सही कहा बीरबल, कुछ वक्त गरीबों की तरह बिताकर हमें एहसास हो रहा है कि ये गरीबों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किलों और परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ता है। इसलिए हमने तय कर लिया है बीरबल, जब तक अपनी रियासत से हम गरीबी को पूरी तरह हटा नहीं देते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। वाह जापना वाह, अगर आपने ऐसा कर दिया तो सदियों सदियों तक लोग रानी साहिबा को याद रखेंगे। हमें याद रखेंगे। रानी साहिबा, सब कुछ करेंगे हम, तो रानी साहिबा को याद क्यों रखेंगे? क्योंकि जापना, आपको ऐसा करने की प्रेरणा गरीबों की रानी से ही तो मिली है। ये भी सही है, तो बोलो गरीबों की रानी जिंदाबाद।